हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैंने ये एयर कंप्रेसर ऑर्डर किया था, आज नहीं मतलब कल ऑर्डर किया था मैंने, और ये आज मुझे रिसीव हो गया है। ये है टायर वेल का। बेसिकली मैंने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारी R&D की, बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, बट मुझे लगा कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ये है, तो फिर मैंने ये ऑर्डर किया। मुझे एक बर्गमैन का भी पसंद आ रहा था, बट वो मुझे लगा कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मुझे लगता है उतनी मेरी नीड है नहीं, कि या तो मैं कमर्शियल पर्पज़ से या फिर मैं बहुत फ्रिक्वेंट यूज़ करूँगा। तो ये जो बेसिकली ब्लॉग है, ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड नहीं है, बट हाँ ट्रैवलिंग एसेसरीज से रिलेटेड ज़रूर है। सो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इस एयर कंप्रेसर के साथ साथ क्या क्या एसेसरीज आती है, कितने कनेक्टर्स आते हैं और कितना इफेक्टिव है, कितना यूजफुल है। तो हम इसका एक रियल टाइम टेस्ट भी कर लेंगे, ठीक है, सो दैट हमें पता लग जाएगा कि ये कितना पावरफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं प्रॉपर अनबॉक्सिंग वाला तो हूँ नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अपने देसी हिसाब से फाड़ फूड के ख़त्म करता हूँ। तो पन्नी तो इसकी हट गई है, ऑल दो मुझे पैकेजिंग बहुत नाइस लग रही है, प्रॉपरली इन्होंने इसको फिट किया हुआ है, सो दैट कि अगर कोई ओपन करता है तो भी वो पता लग जाएगा कि ये यूज्ड है या अनयूज्ड है। ऑल दो ये एक इंडियन कंपनी है, अब इंडियन कंपनी है तो मैंने सोचा क्यों ना इंडिया को पहले प्रेफरेंस दी जाए, तो मैंने इसको परचेज़ किया। और मैं बताऊं ऑनेस्टली आपको, तो इसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अभी इसको यहाँ डाल देते हैं, इसको बाद में देखते रहेंगे। तो वैसे पैकेजिंग और जो इन्होंने ये इसका बॉक्स बनाया, इसको देख के तो लग रहा है कि इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों पे, डिटेल्स पे बेसिकली बहुत काम किया है। तो अभी यार ये तो काफ़ी मतलब प्रीमियम सा और अच्छा लग रहा है आप अगर देखोगे तो। और यहाँ पर बेसिकली LED लाइट है, जैसे अगर कभी आप हाईवेज पे होते हैं और कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि लाइट नहीं हो, अंधेरा हो, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं एयर भरने के टाइम पर। और फिनिशिंग के हिसाब से तो मुझे ठीक लग रहा है। और जो बेस्ट पार्ट मुझे इस इन्फ्लेटर का बेसिकली लगा है वो ये है कि आप देखो, इन्होंने मतलब छोटे छोटे जो स्पेस दिए गए हैं, ये जो एयर भरने की कॉर्ड रखने के लिए दिया है, ठीक है, और ये जो बेसिकली वायर होल्ड करने के लिए दिया है, ठीक है। अभी इसको निकालते हैं बाहर और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। निकल जा चाचा, एक सेकेंड यार, फिल्म ही हो गई है। सो अगर अडेप्टर की क्वालिटी आप देखोगे तो क्वाइट गुड, मुझे एज सच ऐसा नहीं लग रहा कि चीप क्वालिटी का है या बेकार है, अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। देखो आप अगर देखोगे तो वायर की क्वालिटी भी अच्छी है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या है देख लेते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली अटैचमेंट्स दिए हुए हैं, एक फ्यूज़ है और तीन अटैचमेंट है जो फुटफॉल के लिए हो गया, ठीक है, या जितने वो होते हैं ना, मेरे को आइडिया नहीं यार, जो बेड वगैरह होते हैं उनमें भरने के लिए होता है। तो चलो इसको एक बार पहले सेटअप करते हैं, फिर आपको मैं मिलता हूँ। एज़ यू कैन सी कि मैंने इसको कन्फिगर कर लिया, कन्फिगर क्या बेसिकली इसको ओपन कर लिया है और अपना जो पावर सॉकेट है उसमें प्लग इन कर दिया है। प्लग इन करने के बाद भी मैं देख लेता हूँ, तो ये बेसिकली जो बटन्स यूज़ होते हैं वो आपको कितने PSI रखना है उसके लिए होते हैं, और PSI रखने के बाद आपको उसको ओके कर लेना है। तो अभी जो मेरी करंट PSI मैंने सेट कर दिया है वो 32 कर दिया है। इसके अलावा जो ये लाइट वाला बटन है, ये LED लाइट यूज़ करने के लिए यूज़ होता है, सफिशेंट है आई थिंक रोशनी अगर आप देखोगे ना, अगर रोशनी आप देखोगे तो सफिशेंट है, बहुत है इनफैक्ट मेरे हिसाब से, मुझे लगता है अगर रात में जैसे हाईवे पे आपको यूज़ करना है तो। और इसके अलावा यहाँ से जो ये स्विच है, ये बेसिकली इन्फ्लेटर ऑन करने के लिए है। तो अभी काम करते हैं, इसको बाहर लेके चलते हैं और टायर में से हवा पूरी निकालते हैं, फिर इसको टेस्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैं आ गया अपने टायर के पास और अभी इंजन मैंने स्टार्ट कर लिया है, तो अभी इसको प्लग इन करते हैं। जो मेरे टायर में हवा भी दिखा रहा है, टोटल एयर जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 31.5। तो
तो अभी इसको एयर को निकालते हैं, फिर इसको चेक करते हैं। अगर आप इसको पूरा लूज रखते हैं तो एयर निकलनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि अभी मेरे केस में हो रही है। नाउ यू कैन सी, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने अभी जो अपनी एयर है वो निकाल के 7 कर दी है और मेरा टायर ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका है और स्टॉप वॉच अपनी रेडी है। तो अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना इफेक्टिव है, कितना पावरफुल है। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो परफॉर्मेंस आप सब देख चुके हो कि ये कैसा परफॉर्म करता है, कितना पावरफुल है। आप अगर देखोगे तो इसने जो टोटल टाइम लिया है वो लिया है 2 मिनट 33 सेकंड्स। कितनी एयर भरने में? 6 to 32, मतलब कि ऑन एंड एवरेज 26 PSI इसने भरने के लिए जो टाइम लिया है, 26 PSI के लिए वो लिया है 2 मिनट 33 सेकंड्स। तो इट इज़ प्रटी पावरफुल अगर आप देखोगे तो। बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन यही है कि आई थिंक जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, बहुत इफेक्टिव है। और मैं कहूँगा कि ये शायद थोड़ा जल्दी भी होगा मेरे लिए रिव्यू करना। बाकी मैं लॉन्ग टर्म आपको एक रिव्यू इसका अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी अगर एज ऑफ नाउ मैं इसकी परफॉर्मेंस और क्वालिटी देखूँ तो आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड। आप अगर देखोगे तो ये जो कॉर्ड है, बेसिकली जो इन्होंने ये कनेक्टर दिया है, जो अटैचमेंट दिया है एयर फिल करने के लिए, मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी एयर ड्रॉप ज़रूर होती है, बट ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है। अगर आप देखोगे तो ये ब्रास का है,
तो ये रिलायबल भी है और लॉन्ग टर्म ये ना आपको प्रॉब्लम भी नहीं करेगा। बाकी जो कनेक्टर्स जो अटैचमेंट है ना, वो मुझे लगता है वो उतने रिलायबल नहीं है, वो टाइम के साथ खराब हो जाएंगे। तो अगर आपका बजट 1500-1600 तक का है तो आप इसके साथ बिल्कुल जा सकते हैं। ये बहुत मेरे को सही लगा। इनफैक्ट सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगी वो ये इसका बैग लगा, कि मुझे ये बैग भी बहुत अच्छा लगा कि आपका पूरा का पूरा जो एयर कंप्रेसर है वो इसके अंदर ही आ जाता है। आपको ऐसा नहीं है कि कुछ अटैचमेंट आपके कभी खो सकते हैं या मिस हो सकते हैं, तो ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आएगी और इसे आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो अगर आपको परचेज करना है तो मेरी तरफ से 100% आप इसे परचेज कर सकते हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो भी लाइक करो मत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जो ये अभी एयर कंप्रेसर मंगाया है, मैं एक रोड ट्रिप का प्लान कर रहा हूँ, उसके लिए मैं सारी एसेसरीज इकट्ठी कर रहा हूँ। तो मैं आपको टाइम टू टाइम जो भी एसेसरीज मैं परचेज करूंगा उसका रिव्यू भी देता रहूंगा। अदरवाइज जब मेरी रोड ट्रिप आएगी तो जितने भी चैलेंजेस रहेंगे या कभी कोई प्रॉब्लम मेरे साथ ऐसी रहती है तो वो भी मैं आपको अपने चैनल पर दिखाता रहूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।